पहले अंडा की पहले मुर्गी पहले बस शांत पहले मुर्गी पहले मुर्गी के पक्ष में कितने नौजवान हैं बच्चे बच्चियां पहले मुर्गी अब उसके बाद तो बहुमत है पहले अंडा। अच्छा तो इसको कोई क्लियर करेगा कि पहले अंडा की पहले मुर्गी इसका विश्लेषण सुनाइए तब ना अपना ओपिनियन करेंगे। जब किसी विषय का समाधान है इसका मतलब आप फाइनल डिसीजन पर नतीजा पर नहीं पहुँचे उसका व्याख्या और विश्लेषण आप नहीं कर पाते हैं तो विषय को अधूरा नहीं समझना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले पदार्थ सृष्टि नहीं थी धरती नहीं था लेकिन पदार्थ था। पदार्थ था तो पदार्थ का नाश और निर्माण नहीं हो सकता है ना नाश हो सकता है इतने निर्विवाद सत्य है। चाहे सूरज रहे या न रहे चंद्रमा रहे या न रहे तारा रहे या न रहे लेकिन पदार्थ रहेगा न इसका कोई निर्माता है न इसका कोई नाश करने वाला है सत्य है पदार्थ सदा रहेगा हम रहे या न रहे। तो पदार्थ पहले पदार्थ कि पहले चेतना चेतना में पदार्थ कि पदार्थ में चेतना पदार्थ में चेतना होगी कि चेतना में पदार्थ जाएगा पदार्थ में चेतना। तो पहले पदार्थ उसके बाद चेतना तो कोई भी पदार्थ अत्यंत क्रियाशील हो जाती है तो चेतना में कन्वर्ट कर जाती है समझ गए। इसका मतलब है कि पहले अंडा बाद में मुर्गी अंडा पदार्थ है। पदार्थ का परिभाषा कि पदार्थ को पटक दीजिए अंडा को पटक दीजिए कोई कोलाहल है उसमें चेतना नहीं है पदार्थ है। अंडा को डिस्ट्रॉय कर दीजिए बॉयल कर दीजिए खा जाइए छोड़ दीजिए और उसको उसमें बाहरी टेम्परेचर क्रिया कर दीजिएगा तो चूजा कन्फर्म होगा भीतर। तो कोई पदार्थ अत्यंत क्रियाशील हो जाती है तो चेतना में कन्वर्ट कर जाता है। जब उसको बाहरी टेम्परेचर हम देते हैं 24 घंटा उसकी माँ 22 दिन 24 दिन सेती है तो सेने का अर्थ क्या है उसको गर्मी क्रिया उसमें करती है क्रिया उसको गर्मी पहुंचाती है तो अंडा को उलट उलट के गर्मी। लेकिन हम इलेक्ट्रिक से उसमें 24 घंटा में गर्मी दे करके उतना पीरियड को कम शॉर्ट पीरियड में उसको हम गतिशील करके क्रिया करके हम अंडा चूजा बाहर निकाल देते हैं। तो पदार्थ में चेतना हो तो कोई पदार्थ अत्यंत क्रियाशील हो जाती है तो चेतना में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें अंडा में क्रिया नहीं कीजिएगा तो सड़ जाएगा डिस्ट्रॉय होगा बच्चा नहीं होगा अंडा नहीं होगा अंडा नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था में तो पदार्थ में चेतना अंडा हुआ पदार्थ समझ गए। तो पहले पदार्थ पहले अंडा उसके बाद मुर्गी बीज का नाश नहीं होता है और अंडा को डिस्ट्रॉय कर दीजिए पटक दीजिए फोड़ दीजिए उबाल के खा जाइए कोई कोलाहल उसमें है बेचैनी है छटपटाहट है क्योंकि वो पदार्थ है चेतना उसमें नहीं। और जब वही चेतना में कन्वर्ट मुर्गी का चूजा हो जाता है तो उसको मारिएगा तब भागेगा चिल्लाएगा समय से बोलेगा उसको काटिएगा तब फड़फड़ाएगा उसमें कौतूहल नाना प्रकार का मतलब कि विरोध का वो क्रिया करेगा। इसका मतलब है कि कन्विंस हुए कि पहले अंडा पहले पदार्थ चूंकि अंडा पदार्थ हुआ और बाद में मुर्गी मुर्गी बीज नहीं है मुर्गी जीव है। तो कोई भी पदार्थ अत्यंत क्रियाशील हो जाते हो तो चेतना में कन्वर्ट कर जाता है दर्शन।